आज पहली बार बता रहा हूं सर माफ कीजिएगा आपने बताने मना किया था आज 32 33 साल के बाद वो राज में खोल रहा हूं मुझे बहुत तारीफ करने वाले लोगों से ज्यादा अच्छे लगते हैं जो मुझे चैलेंज है तो नहीं नहीं होगा बेटा बहुत तो बच्चा है। मैं कभी दया करती थी मुझे खाना नहीं मिल रहा आज भी नहीं लगता है ये लोगों ने बाद में मुझे आपने बहुत स्ट्रगल किया थैंक यू आउट आउटे थैंक्स अ लॉड टू इनवाइट मी इन दिस प्रिस्टीजियस टॉक शो कॉल जोश टॉक्स आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट ऑफ योर्स यू ऑर्गेनाइजेशन ऑल अः वेरी यंग पीपल यंग बॉयजर्ल्स आई रियली एडमायर दिस एफर्ट वाई बिकॉज आजकल हम पेरेंट्स की बात बच्चे सुनते नहीं है इनका सब बच्चों का सबसे करीबी दोस्त कौन है मीडिया डिजिटल मीडिया वो मोबाइल में देख लेंगे गूगल कर लेंगे लेकिन हमसे नहीं पूछेंगे तो मेरा ये जो दुख है एज पिताश्री वो मैं अब यहाँ शेयर कर सकता हूँ कम से इसी बाने कम से कम देखे तो मेरी बात ऐसे नहीं सुनते मेरे बच्चे तो कम से कम इसी बहाने देख लें तो ये तमाम उन बच्चों के लिए है और तमाम उन पेरेंट्स के लिए है कि जो समझें कि इस तरह के टॉक शोज की कितनी ज्यादा जरूरत है टेंथ में जब बच्चा होता है तो पंद्रह सोलह साल का होता है टेंथ में ही उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है चारों तरफ से अरे दुबे जी की लड़की गीता देखो फाइटर पायलट बन गई अरे तिवारी जी का लड़का देखो आई कर गया है ये सब सुना सुना के फीडबैक दिया जाता रहता है और बच्चे पे प्रेशर बिल्ड होता रहता है उसका हार्मोनल चेंजेस हो रहा था बड़ा हो रहा था फिजिकली मेंटली सोशली हर तरह से वो बड़ा हो रहा है उसके अंदर एक क्राइसिस हो रही है और वो कई चीजों से एक साथ जूझ रहा होता है वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है डिस्कवर कर रहा है कि हु एम माए मैं कौन हूं कहा हूं क्या करूंगा हम सभी उस स्टेज से गुजरे मैं भी गुजरा हूं मैं अब एक आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सॉपिंग स्टोरी ऑफ माई लाइफ इट आप जब भी बोलोगे कि कोई भी सेलिब्रिटी बनता है एक्टर बनता है तो मतलब बेंच में सोया था पार्क में सोया था हाँ मैं भी सोया हूँ कहीं उससे ज्यादा है अगर मैं अपनी शॉपिंग स्टोरी बताऊंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसे लुक का आदमी है गोरा चिट्टा सा ऐसा ऐसा क्या, क्या क्या किया है बहुत ही ज्यादा डरावनी है बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग विच आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू क्योंकि आया हूँ आपको मोटिवेट करने आपको चार्ज करने अपनी दुखियारी स्टोरी से आपको रुलाने के लिए नहीं वो मेरी कहानी थी मैंने उस पर जीत हासिल की है मैंने उसको ओवरटेक किया है दैट्स फिनिश दैट्स ऑल बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ और वो शॉबिंग स्टोरी अगर छोड़ दी जाए तो मैं म्यूनिसपैलिटी के स्कूल में पढ़ा हूँ जो झारखंड है वहाँ के म्यूनसिपैलिटी स्कूल जिसमें कि खिड़की दरवाजे के नाम पे चौखट भी नहीं होते थे दो कमरे का एक स्कूल जिसमें बीच में खिड़की खिड़की पर राधे श्याम सर बैठे ऐसे कानों से बाल निकले धोती पहने हुए पहली दूसरी कक्षा यहाँ तीसरी चौथी कक्षा आ चारों को एक साथ पढ़ाते थे हमें पी भी करना होता था एक्सक्यूज में आई गोट आउट सर ऐसा नहीं पूछते थे सीधे खिड़की पे चढ़े यूं कुआ पी किया फिर वापस आ गए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह के स्कूल से पढ़ा हु लेकिन ऐसे म्युनसिपल स्कूल में पढ़े बच्चे अपने आप को स्ट्रेस्ड ना फील करें और सेल्फ स्टीम में कहीं कमी ना आने दें, मैं भी वहीं से निकल के आया हूं और आज कॉन्वेंट एजुकेटेड लोगों के साथ काम कर रहा हूं बराबरी से रहकर काम कर रहा हूं मैं जिस प्रदेश से आता हूं उसका नाम झारखंड जो जनजातीय लोगों का एरिया है ट्राइबल बच्चों के साथ मैं पला बढ़ा सांप पकड़ना हमारे यहाँ ढोंड़ सांप होता है इतना बड़ा जो जहरीला नहीं होता तो हम उसको पूंछ से पकड़ तो के ऐसे 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 घुमा देते जैसे किसी को घुमा के छोड़ देते कैसे ऐसे ऐसे हो जाता है तो सांप भी ऐसे हो जाता था फिर उसको गले में लपेट के शंकर भगवान शंकर भगवान खेलते थे तो सड़क में निकल जाता बम शंकर शंकर कलाशपति कलाश के ऊपर रहने वाले दिन देखो की सेवा करने वाले लोगों का कष्ट करने वाले बोल बम तड़क बम जेना देख बम उसका पिछवा पुता कम तो पैसा मिल जाता पांच पैसा दस पैसा पांच पैसे में पांच लेमन चूस आ गया लेमन चूस जिसको आप टॉफी बोलते हैं वो खाली अपना चूरन वूरन खा के मस्त हो गए तो ऐसी थी लाइफ खैर एम द कांड ऑफ पर्सन इफ यू चैलेंज मी आई गेट मोक इक मुझे बहुत तारीफ करने वाले लोगों से ज्यादा अच्छे लगते हैं जो मुझे चैलेंज करते बोले तो उससे नहीं होगा बेटा बहुत तो भी बच्चा है यही कह के, के जिन जिसने ऐसा कहा उसकी वजह से आज मैं यहां हूं तो जब रांची से चला दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन हो गया तो वहां तेरह सौ रुपये का ड्राफ्ट बनना था मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने कहा नहीं एन एस नहीं, 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 नहीं जाऊंगा तो साथ में सेवन टेंसली मेरा आई आई एम भी हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में तो वहां पैसे नहीं लग रहे थे वहां भी स्कॉलरशिप से हुआ तो वहां जा रहा था तो जब मेरे दोस्तों को पता लगा मेरे दोस्त बड़े अच्छे थे दोस्त टीचर मेरे लाइफ में हीरे रहे हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ अच्छे अच्छे टीचर मिले अच्छे अच्छे दोस्त मिले तो दोस्तों ने आपस में चंदा करके तेरह सौ रुपये का ड्राफ्ट बनाया रेलवे की टिकट दी एक ट्रंक खरीदा ट्रंक में कच्चे बनियान बेल्ट खाने पीने की चीज़ें भर के मुझे और बैंड भी भेजा आज मेरे यार की शादी है टाइप से ना टाटा 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 रेलवे स्टेशन में आए वो लोग छोड़ने के लिए अब मुझे बैठा तो दिया माला वाला पहना के मैं बैठा हूँ पहली बार रांची शहर से बाहर निकल रहा हूँ पूरी अनसर्टेनिटी लाइफ में कि कहा जा रहा हूँ क्या होगा कैसे होगा आंखों में आंसू भर भर गिर रहे हैं और मैं अपने उस प्रदेश के जंगल झाड़ को देखते हुए ऐसे खिड़की में देख ऐसे जा रहा हूँ पता नहीं क्या होने वाला टिकट टिकट ऐसे हाथ दर्ज निकल कर टिकट दिया है यही तो काल का टिकट है दादा तो का है तो कल का टिकट है कल का टिकट है मतलब कल बीता हुआ कल का टिकट है ये कैसे हो गया खैर जो भी हुआ तो फिर मैंने अबारे हो गए तो कुछ जाचो डेली करो को, तुम्हें ये नाटक करो दादा तो अरे नाटक अच्छा वो भी नाटक करते थे तो उनका इंटरेस्ट मुझ में बिल्ड हो गया कहाँ जा रहे है एन एस डी ज्वाइन कर अच्छा एन एस डी में हुआ अच्छा कुछ है लेटर मैंने कहा दिखाया ज्वाइनिंग लेटर हो खूब भलो हो तो मेरा आबार की होगा टिकटर व्यवस्था होगा कि तो हाँ फिर उन्होंने कुछ कुछ करके कर दिया फाइनली डेली आ गया इस तरह से एन एस डी ज्वाइन किया एन एस डी ज्वाइन करने के बाद फिर और भी बहुत सारी चीजें की इतनी सारी चीजों को करने के बाद जैसे मैं आ, कभी भी अपने लाइफ को डिप्रेस नहीं देखता हूँ मुझे जो भी जब भी मिल रहा था मेरे लिए वो नॉर्मल था अगर खाना नहीं मिल रहा मैं सत्तू खाता था डेली सत्तू के गोला बना के फाक के एक लोटा पानी पी जाता था मेरे लिए नॉर्मल था मैं कभी दया नहीं आती थी हाय हाय मुझे खाना नहीं मिल रहा ये आज भी नहीं लगता है ये लोगों ने बाद में बुझाया आपने बहुत स्ट्रगल किया मैंने क्या स्ट्रगल किया स्ट्रगल तो कुछ नहीं था भाई मैं टेंथ पास किया अपना कॉलेज में जैसे गया सुबह सात से ग्यारह की क्लास होती थी ग्यारह बजे के बाद एक आ, कपड़े की दुकान में काम करता था उनका अकाउंट संभालता था अकाउंट संभालते सम्भालते उनके बच्चों को पढ़ाता भी था फिर बीच में कपड़े भी बेचने लगता था शर्ट पैंट वो सब उनके मार्केट में फिर उसके बाद जाता था ट्यूशन पढ़ाने ट्यूशन पढ़ाने एक ट्यूशन पढ़ा पाता था तो अब चूंकि टाइम खत्म हो जाता था तो एक राशन के दुकान वाला था। उसकी साइकिल मेरी नजर थी बहुत दिनों से खड़ी है साइकिल धूल खा रही है चलाता नहीं है तो मैंने उसको बोला भाई साइकिल दे दीजिए तो मैं दो तीन ट्यूशन और ले लूंगा अच्छा तो पचास रुपए लगेंगे ठीक है इंस्टॉलमेंट में दूंगा लेकिन तो वो साइकिल ली तो तीन ट्यूशन और हो गए चार ट्यूशन पढ़ाने लगा फिर उसके बाद लूना लिया लूना एक होती है ना सी वो लेके फिर उससे रिहर्सल भी करने जाता था रेडियो में प्रोग्राम uh, करता था अनाउंसिंग करता पचास में पर अनाउंसमेंट मिलता था युवाणी सेक्शन उसको बोलते हैं टीवी में थोड़ा काम करता था दूरदर्शन में मतलब और अखबार नवीस भी था जर्नलिज्म भी करता था तो मैं वो अपने आप को टटोल रहा था अपने आप को डिस्कवर कर रहा था कि वॉट आर क्वालिटीज इन मी एंड वेयर शुड आई जीरो डाउन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वेयर आई शुड एंजॉय माई लाइफ मुझे कभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं रही मैं आई एम द बेस्ट एडवोकेट फॉर दिस गवर्नमेंट प्रोग्राम जो आप सरकार को इतना गाली देते हैं सरकारी सिस्टम को गाली देते हैं कि नहीं जो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम से अगर नहीं चल रहे होते तो मेरे जैसा बंदा आज आपके सामने नहीं खड़ा होता आप इसको इनवाइट नहीं करते मैं इसी म्यूनिसपल स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ इसी जो फ्रीशिप से पढ़ा रहा हूँ दो रुपए पचास पैसे फीस होते थे लेकिन एक रुपए पच्चीस पैसे माफ करवा लिए थे और वो एक रुपये पच्चीस पैसा भी कुछ संगठनों से जो तथाकथित कथित एन जी बोल लीजिए या मारवाड़ियों की संस्था थी उससे वो स्पॉन्सर कर लेता था तो जीरो पैसे में पढ़ता था किताबें भी सरकारी मिल जाती थी उससे पढ़ता था तो अगर आपके अंदर चाह है आप कुछ करना चाहते हो तो कायनात रच देती है लोग मिल जाते हैं वो करने वाले एन में चूंकि बागी किस्म का शुरू से रहा हूँ फ्रंट लाइनर तो थोड़ा तो तो लड़ाई झगड़ा सब झंडेबाजी करता था तो फर्स्ट ईयर में ही हमने ऐसा कुछ कर दिया था तो अब समर वेकेशन हुआ हॉस्टल खाली करना पड़ता तो फरमाना है और खाली करो मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ मेरे रहने की तो कोई जगह ही नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं खाली तो करना क्योंकि उसके पहले मैं स्ट्राइक कर चुके तो, तो नेचुरली मुझे मिलना नहीं था वो तो मेरे पता था एप्लीकेशन दी डायरेक्टर के पास वो रद्द हो गया तो दूसरे एक टीचर सुन रहे थे फिर मैं जब लाइब्रेरी में जाके बैठा तो वो टीचर मेरे पास आए आज पहली बार बता रहा हूँ सर माफ़ कीजिएगा आपने बताने मना किया था आज बत्तीस तैंतीस साल के बाद वो राज मैं खोल रहा हूँ कि मेरे अंदर वो राज है ज़्यादा देर पचा नहीं सकता माफ़ कर दीजिएगा मुझे तो उनका नाम है सुधीर कुलकर्णी वो यहाँ अम्बेडकर का कैरेक्टर करने आ रहे थे उनको घर छोड़ के आना था और घर में वो चाहते तो कोई रहे तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया हॉस्टल में रहने का तो यू कैन लिव एट माई प्लेस गोल मार्केट में उनका घर था मैंने कहा बदले में क्या करना होगा बोले कुछ नहीं खाली मेरे लेटर वोटर सजा के रखना बस दे देना मुझे ठीक है वो लेटर रखने को मिल गया रांची में भी इसी तरह जो मेरे मेंटोर हैं मिस्टर अजय मलकानी जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो मैंने कहा वो एक मोटर चलने वाला रूम होता है ना जिसमें मोटर चलता है छोटा सा कमरा होता है उसमें

अपियरेंस और माई एक्टिविटीज दैट द रीजन आई अट्रैक्टेड दिस गुड पीपल मेरे अच्छे दोस्त रहे मैंने हर मौके पर उन लोगों ने मेरा साथ दिया और टीचर्स ने साथ दिया तो अगर जिनके पास ये टीचर्स है जिनके पास अच्छे दोस्त है उनको संभाल के रखेगा उनको खोने मत दीजिएगा और अपनी इंटीग्रिटी बना के रखेगा एंड नेवर लूज होप यू आर द बेस्ट यू आर द बेस्ट जज आप किसी के सामने घुटने मटे की आपको सॉबिंग स्टोरी नहीं सुनाई मैंने मेरा ये वादा था ना मैं सॉप करना चाहता हूँ ना आपको सॉप करने देना चाहता हूँ just be cheerful and reach where you want to that's all and thanks to josh talk thanks everybody अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत-बहुत ज्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स अब वो नया नहीं रहा काफी टाइम से है लाखों लोग उसको अब यूज करते हैं और जो स्किल्स पे आप अपनी जिंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं पब्लिक स्पीकिंग पे इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं एक्सरसाइजेज हैं एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी आपको इनकरेज करेगी आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए